वन प्लस की तरफ से एक और नया अपडेट फाइनली देखने को मिल जाता है ऑक्सीजन ओएस 11.2.10.10 के नाम से। इस नए अपडेट में आप लोगों को क्या कुछ खास चीज़ें देखने को मिल जाती हैं इसके बारे में आपसे बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये जो अपडेट है वो सभी लोगों को रोल आउट नहीं हुआ है। मैंने भी यहाँ पर सिस्टम में चेकआउट किया, 3-4 दिन बाद भी अभी भी मुझे ये अपडेट शो नहीं हो रहा है। तो आज मैं अपडेट करने वाला हूँ इसको ऑक्सीजन अपडेटर एप्लीकेशन के द्वारा, जिसे आप सिंपली कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसमें आप जाएंगे तो आपको अपना डिवाइस सेलेक्ट करना है सिंपली इंक्रीमेंटल के अपडेट के साथ में। आप यहाँ से डाउनलोड करके उसके बाद आपको अपने डिवाइस की सेटिंग्स के अंदर जाना है, सिस्टम पर टैप करना है। सिस्टम अपडेट पर टैप करते हुए सेटिंग्स के आइकन के द्वारा आपको यहाँ पर फाइल का ऑप्शन आ जाएगा, उसको आपको सेलेक्ट करना है और सिंपली यहाँ पर आप टैप कर देंगे। उसके बाद आपको ये कुछ आगे बढ़ने का ऑप्शन दे देगा। अब आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं अपने डिवाइस को। इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा ये समय लेगा, उसके बाद आपको सिंपली अपने डिवाइस को रिबूट पर टैप कर देना है। इसमें आपका कोई भी डेटा इरेज नहीं होगा, आपका सारा डेटा इंटीग्रेटेड ही रहेगा। तो अब ये मेरा डिवाइस अपडेट हो चुका है। सबसे पहले मैं आपसे बात करूं, इस अपडेट में आप लोगों को थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ में जो भी एक्सपीरियंस में प्रॉब्लम आ रही थी वो सब कुछ अब ठीक चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है। साथ में नवंबर मंथ 2021 का आपको विंडोज सिक्योरिटी पेच लेवल देखने को मिल जाता है और सिस्टम में खास स्टेबिलिटी लाई गई है जो कि पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बेटर मुझे लगी है। और गीक बेंच में स्कोर आपको ये कुछ देखने को मिल जाता है। इसी के साथ इस अपडेट के साथ में बैटरी लाइफ की बात करूँ तो वो भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है। मैंने इसको 3 दिन पहले अपडेट किया था, उसके बाद आगे की वीडियो सोची मैंने शूट कर लूँ क्योंकि यहाँ पर एक ही वीडियो में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देना बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। तो यही कुछ चीज़ें इस अपडेट में देखने को मिल जाती हैं। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। इसके लिए आप हमारी वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।